सी आई ई टी एन सी ई आर टी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आस पास का पहला पाठ कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पृष्ठ एक क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया क्यों होता है ऐसा सोचकर बताओ जानवरों में भी देखने सुनने सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है है ना जानवरों की भी अजीब दुनिया पृष्ठ दो कैसे पहचाना साथी को एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया सोचो और बताओ इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना करके देखो और लिखो चीनी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो अब इंतजार करो चींटियों के आने का अब देखो चींटी कितनी देर में आई क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया चींटियां खाने की चीज़ का क्या करती हैं वे उस जगह से कहाँ जाती हैं क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं पृष्ठ तीन अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुँचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चीटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेता है क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है सोचो कुत्ता क्या क्या सूंघता होगा सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था यहाँ एक रेशम के की कीड़े का चित्र बना है वह कहता है मैं रेशम का कीड़ा हूँ मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ पृष्ठ चार हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है सूची बनाओ उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके ख़राब होने का पता चलना किसी चीज़ के जलने का पता चलना तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो उनके नाम लिखो किन्हीं पांच ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है और किन्हीं पांच ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं पृष्ठ पाँच चर्चा करो क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है किसके कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में बस में ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है बताओ कैसा लगा ऐसा क्यों आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा अपने छः महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी यानी लेटरिन कर दी अपनी बेटी की पॉटी धोने के बाद जब वह दीपक की पॉटी साफ़ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया सोचो और चर्चा करो सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ़ करते समय तो मुंह नहीं ढका लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया ऐसा क्यों जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुज़रते हो वहाँ की गंद तुम्हें कैसी लगती है उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इस पर हमारी सोच का भी असर पड़ता है पृष्ठ कैसे दिखा किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आँखें सामने की तरफ होती हैं ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आँखें सिर के दोनों तरफ होती हैं इन पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं जानते हो क्यों ज्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं तुम भी अलग अलग तरीकों से देखो तुम अपनी दाई आँख बंद करो या हाथ से ढको इसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाई तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो अब दोनों आँखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया पृष्ठ सात अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो एक बार दोनों आँखें खोलकर और एक बार एक आँख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो चील बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे चार गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं जो चीज़ हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी आठ मीटर की दूरी से देख लेते हैं क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी मज़ेदार बात और जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे जैसे जिस चित्र में हमें गुलाबी लाल हल्का हरा गहरा हरा पीला काला ये रंग दिखाई पड़ते हैं चिड़िया को भी ये रंग दिखाई देते हैं और कुत्ते को केवल हरा और पीला और चूहे को तो कोई रंग ही दिखाई नहीं देता उसे तो बस काला और सफ़ेद दिखता है आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं पृष्ठ आठ तुमने कक्षा चार में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं लिखो दस जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं सोचो तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है करके देखो स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले और बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी अपने साथियों से भी पता करो तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना पृष्ठ नौ एक बार डेस्क को बजाओ कैसी आवाज़ आती है अब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ कैसी आवाज़ आती है क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है उसके बाहरी कान नहीं होते जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है आवाज़ें अलग अलग जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक ख़ास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है इस काम के लिए पक्षी भी ख़ास आवाज़ें निकालते हैं कुछ पक्षी अलग अलग ख़तरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ मछलियाँ ख़तरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक ख़ास आदिवासी जाति समझ गई उन्होंने वह इलाक़ा खाली कर दिया इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए पृष्ठ दस डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है लिखो क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो किस किस की क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं कौन कौन से आओ खेलें एक मज़ेदार खेल जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो ध्यान रहे बोलना नहीं है केवल आवाज़ें निकालनी हैं और साथियों को अपनी बात समझानी है किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कितना सोएं। बहुत से जानवर किसी ख़ास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहाँ गुम हो जाती हैं सोचो वे ऐसा क्यों करती होंगी पृष्ठ ग्यारह ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। ये दिन के करीब सत्रह घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से आठ पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं 24 घंटों में से स्लॉथ केवल छ घंटे जागता है और अठारह घंटे सोता है घड़ी बनाकर इन जानवरों का सोने और जागने का समय दिखाओ छिपकली गाय अजगर जिराफ और बिल्ली अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कौन से कोई दस प्रश्न बनाओ और लिखो पृष्ठ बारह यहाँ पर बाघ का एक चित्र दिया गया है बाघ अंधेरे में हमसे छह गुना बेहतर देख सकता है बाघ की मूछे हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है इससे उन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं यह इलाका कई मिलोमीटर बड़ा हो सकता है एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है ग़ुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ कभी करहाना हो तो कभी गुर्राना बाघ का गुर्राना तीन किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह ख़तरे में है सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से ख़तरा होगा क्या हम भी जानवर के लिए ख़तरा बन रहे हैं कैसे क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग शेर मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मारा जाता है कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते पता करो भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहां-कहां हैं इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो हम क्या समझे? क्या तुमने कभी ध्यान दिया है बहुत से गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं वे ऐसा क्यों करते होंगे कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने सुनने सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है पृष्ठ चौदह आओ बनाएं कागज़ का कुत्ता सामान थोड़ा मोटा कागज पेंसिल और कैंची यहाँ पर एक चित्र दिया गया है अध्यापिका की सहायता से कुत्ता बनाना सीखें कैसे पहचाना चीटी ने दोस्त को अभी आप सुन रहे थे कक्षा पाँच की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का पहला पाठ प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन सी ई आर -E टी नई दिल्ली भारत